सूर्य को अर्घ दें। प्रातः काल में ब्रह्म स्वरूपी, मध्यान्ह समय में रुद्र स्वरूपी सूर्य को और संध्या में विष्णु स्वरूपी सूर्य को अर्घदान किया जाता है। संध्या नित्य करना चाहिए, लेकिन सूरज निकल आवे और तब संध्या करें तो वैसे तो तीन अर्घ दिए जाते हैं, लेकिन जब सूरज निकल आया है तो प्रायश्चित के रूप में एक चौथा अर्घ भी दिया जाता है। प्रायश्चित्तार्थम इदम् अर्घं दत्तं मम, नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत् प्रसूति स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने, विरंचि नारायण शंकरात्मने। ब्रह्मा स्वरूप है सूर्य प्रातः काल में, मध्यान्ह संध्या में सूर्य रुद्र रूपी है, एक अर्घ दिया जाता है, और संध्या समय में सूर्य विष्णु स्वरूपी, तो सूर्य हो और सायं संध्या हो जाए वो उत्तम, सूरज डूब जाए अभी तारे नहीं निकले नहीं दिखाई दे रहे तब संध्या किया जाए सायं संध्या वो मध्यम प्रकार की, और तारे टिमटिमाने लगे गाम आखाने वाड़ू करीन हुआ नो समय थियो त्यारे अर्घ देवा बहे रात ना दह वागे, तो वो भी संध्या तो है लेकिन वो सायं संध्या अधमा मानी जाएगी, लेकिन करना तो चाहिए, चूकना नहीं चाहिए।